बरकात तो पूरा मजमा जवाब दे दे। वालेकुम अस्सलाम यगफिरुल्लाहु तआला व लकुम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى عند وفاته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله سابقه صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسولكم نبي الكريم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگو، علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، خاص کر کے اس مسجد کے امام محترم دامت برکاتہم، معظم محترم دامت برکاتہم، पूरा मजमा जुमा का दिन, मुहर्रम महीना, पूरा मजमा आमीन कहे। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। कल रात को हम जामिया उम्मुल कुरा में जमा थे, वहाँ हमने मुहर्रम के एक दो वाक़यात बयान किए थे। जैसे मैंने कल रात को जामिया उम्मुल कुरा में बताया कि मुहर्रम के तकरीबन बड़े बड़े मोटे मोटे 25 वाक़यात हैं, और ज़ाहिरी बात के 25 वाक़यात एक आदमी कैसे बयान करे और मजमा कैसे सुने, बड़ा दिक्कत वाला मामला है। इसलिए हम कुछ कुछ वाक़यात को लेते हैं। कल रात को भी कुछ वाक़यात बयान किए, लेकिन इससे पहले कि हम वाक़यात पर आए या मुहर्रम में क्या करना उस पर आए, उससे पहले जब मुहर्रम महीना आता, बोलो जब मुहर्रम महीना आता, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे। जब मुहर्रम महीना आए, हमारे नबी ने दुआ पढ़ी, सहाबा को पढ़ाई, और सहाबा ने अपने बीवी बच्चों को पढ़ाई, और अल्लाह की कसम जुमा का दिन अगर वो दुआ कबूल हो जाए ना, तो दुनिया भी हमारे कदमों में होगी, आखिरत भी हमारे कदमों में होगी। वो क्या प्यारी दुआ है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम में पढ़ी और पूरे साल का इंतज़ाम फरमा दिया। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان سبع من كدوان بلکہ میں چاہتا ہوں سب پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھو میرے ساتھ میں اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان۔ اور اب ترجمہ بھی یاد کر لو، عربی یاد نہ ہو تو پورے محرم مہینے میں یہ دعا مانگتے جائے۔ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا خود بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو پڑھاتے تھے، صحابہ اپنے بیوی بچوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ دعا کا پہلا جملہ ہے، اے اللہ یہ آنے والا مکمل سال ہمارے جان اور مال اور آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین بولو، بہت ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے جان اور مال اور آبرو کی حفاظت فرما۔ دوسری دعا ہمارے نبی اسی میں مانگتے تھے، اے اللہ ایمان اور اسلام ہمارے دل میں ایسا جمع دے، ایسا پہاڑ کی طرح جمع دے کہ جیے بھی تو کلمے کے ساتھ اور مرے تو بھی کلمے کے ساتھ۔ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ دو۔ اسی میں تیسری دعا ہے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ بولو آمین۔ اللہ تو ہم سے، سچ بتاؤ میرے مالے گاؤں والوں، اگر اللہ راضی ہو گیا پھر کسی کی رضا مندی کی ضرورت ہے؟ وہ راضی ہو گیا، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی۔ اللہ نے خود فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मैं तुमसे राजी हो गया, समझ ले तू तेरे हर इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो इसमें ये दुआ भी है, बोलो आमीन अल्लाह हमसे राजी हो जा। और आखिरी बात है, अल्लाह हमें शैतान के धोखे से बचा ले। तो ये चार दुआएं मांगते रहना। ए अल्लाह जान माल आबरू की हिफाजत फरमा, बोलो आमीन। अल्लाह ईमान और इस्लाम की सलामती अता फरमा, बोलो आमीन। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, बोलो आमीन। और अल्लाह शैतान के धोखे से बचा ले, बोलो आमीन। तो वक्त हमारे पास बहुत कम है। कल रात मैंने जामिया उम्मुल कुरा में मुहर्रम का वाकया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा हुआ था वो रात को बताया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया वो भी हमने रात को सुना। आज तो हमारा सफर है, इसलिए मैं चाहता हूँ दो बुनियादी बातें सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बोलो सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम होगा पहली मुहर्रम यानी हम मुहर्रम में एंटर हुए, पहली मुहर्रम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। हाँ बोलो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हाँ आपको जो जख्म लगा वो तकरीबन 26 ज़िलहिज्जा, उसके बाद आप बीमार रहे बीमार रहे बीमार रहे बीमार रहे। और आपकी शहादत का बड़ा अजीब व गरीब वाकया है। आपको मालूम होगा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। बोलो कौन सी नमाज पढ़ा रहे थे? फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। और दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो रहे थे, पीछे एक गुलाम था जिसका नाम फिरोज था। क्या नाम था? फिरोज था। बस वो पहले से खंजर लेकर आया था, और ऐसा खंजर जिसको पूरा पॉइजन और जहर से मिला हुआ था। और जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु यूं खड़े हुए, वो पहली सबसे यूं कटा, यूं आगे आया और आकर इतना जोर से पेट पर खंजर मारा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहीं पर इतना सख्त जख्म लगा। खैर नमाज तो पूरी हुई, मगर उसके बाद ये आलम था कि हजरत उमर को अगर दूध पिलाया जाता था तो उस रास्ते से पेट के रास्ते से दूध वापस बाहर निकल जाता था। खजूर का जूस पिलाया जाता वो भी उस रास्ते से बाहर आ जाता। उस जमाने में जो भी मरहम पट्टी करना था मरहम पट्टी हुई। आखिर में पहली मुहर्रम थी। और मेरे प्यारों हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ऐसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुझे एक दो बातें आपको बताना है। मेरे दोस्तों सच बताओ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मजबूत ईमान वाले थे या नहीं? मैंने सारा मजमा साथ में बोलेगा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान मजबूत था या नहीं था? आप ईमान के पहाड़ थे या नहीं थे? और अब जब आप अमीरुल मोमिनीन बने, 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। बोलो और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। और आपको मालूम है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान थी, आपकी ये आजमत और आपके मनकबत का ये आलम था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत का कानून है हमारे नबी के बाद कोई नबी अकीदे की बात है, अकीदे की बात है, हमारे नबी के बाद कोई नबी और हमको ज़रूरत भी नहीं। बोलो हमको ज़रूरत भी नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरा मजमा बोले कोई नबी आने वाला नहीं। अगर कोई ये शैतानियत करता हो हम भी बचे, अपने घर वालों को भी बचाए, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ने साफ ऐलान फरमा दिया, मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मोहम्मद मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा पूरा मजमा बोले इनके बाद कोई नबी आने वाला। अब मजमा बोले ना हमको किसी नबी की ज़रूरत भी नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम का मजमा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया अल्लाह नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। साथ में बोलो मेरे बाद कोई। लेकिन फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया, लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला मुबारक समझना। हमारे नबी ने फरमाया मेरे पास कोई नबी नहीं। अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो मेरी उम्मत में से उमर फारूक को नबी बनाते। वैसे कोई नबी है नहीं, लेकिन अगर अल्लाह नबी बनाते तो किनको बनाते? हजरत उमर को नबी बनाते। मेरे प्यारों ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान हमसे तो बहुत ऊंचा होगा ना बोलो ना ऊंचा होगा तो नहीं होगा? और हजरत उमर की ज़िंदगी को पढ़ो और हमारी ज़िंदगी को पढ़ो, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला एक बादशाह एक अमीरुल मोमिनीन, आज हम लोगों ने कितनों को कितना सताया, कितनों का कर्जा खा गए, कितनों का विरासत खा गए। मेरे प्यारों आपको ताज्जुब होगा,
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में, बोलो कहाँ पर, मदीना मुनव्वरा में, और आपने इरादा किया मुझे उमरा में जाना है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इरादा करते मुझे उमरा में जाना। अब जाहिर बात है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उमरा में जाएंगे तो आपके साथ उठने बैठने वाले हाँ तकरीबन 100-150 आदमी वो भी सब उमरा के लिए तैयार हो गए। अब मदीना मुनव्वरा से एहराम बांधकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अब उमरे में जाना है तो मक्का पहुंचे। लेकिन जब मक्का आप पहुंचे तो वहां मक्का वालों ने जो इस्तकबाल किया, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, इस वक्त जमीन के बादशाह आ रहे हैं, इस वक्त जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े साथी आ रहे हैं, हजरत उमर आ रहे हैं, तो मक्का वालों ने छावनियां बनाई और छावनी बनाई और उसमें थोड़े छोटे 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 गुसलखाने बनाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सारे मक्का वालों ने कहा आप आए हैं, आप काबे जाएंगे, आप उमरा करने के लिए जाएंगे तो पहले काबे के पास जाएंगे, लेकिन हमने आपके लिए छावनी बनाई है, इसमें थोड़ा कुछ खाना खा ले, थोड़ा पानी पी ले और गुसल कर ले, उसके बाद एहराम फिर बांध ले और फिर बड़े इत्मीनान के साथ आप काबे के पास जाए, उमरा अदा करने जाए। अब सुनना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो छावनी में गए, बोलो छावनी में गए। अब वहाँ पे ऐसा वो जैसे हमारे जैसे ये देखो ऐसे कैसे कील लगा हुआ है, तो ऐसे कील लगा हुआ था, एक कील लगा हुआ था, हमारे यहाँ वो हैंगर वगैरह लगे होते हैं, यानी मतलब ये था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो एहराम बांधा था, एहराम में दो चादरें होती है, तो हजरत उमर ये चाहते थे कि वो चादर मैं उतारूँ और वो उधर कील पर हैंगर पर मैं लटका। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे जब गए तो देखा कि वो कील पर कबूतर बैठा है। कौन बैठा है? कबूतर। वो समाना ऐसा वो कबूतर बैठा, हम भी ऐसा ही कर रहे, छू छू किया, अब वो कबूतर को उड़ने की कोई जगह नहीं थी, वो फड़फड़ाता हुआ कबूतर नीचे आया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना एहराम का कपड़ा, ऊपर वाला जो एहराम का कपड़ा वो रखा, वो कबूतर फड़फड़ाता हुआ नीचे आया, वहां के नीचे में कोई सांप था, उस सांप ने कबूतर को डसा और कबूतर वहीं पर अपनी जान खत्म कर गया, यानी कबूतर मर गया। बोलो कबूतर मर गया। हम होते भाई 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर क्या करते, अरे हम भी होते तो क्या करते, अरे कबूतर को हटाओ, मर गया, चलो चलो हटाओ, सांप को मार दो, सांप को मार दो, कबूतर को हटाओ, कोई कचरे के डब्बे में डाल। मेरे प्यारो मालिका वालों आपको ताज्जुब होगा, हजरत उमर ने वापस वह एहराम का कपड़ा लिया, अपने ऊपर रखा, हम मालूम ने कितनी देर तक ऐसा रोए, कहने वाले कहते जैसे कोई बच्चा बिल बिला के रोता, इस तरह रो रहे थे, लोग जमा होते गए, अमीरुल मोमिनीन रो रहे, अमीरुल मोमिनीन रो रहे। किसी ने पूछा हजरत क्या हुआ, कहा वो कबूतर मर गया। तो हजरत उमर ने रोते रोते कहा कबूतर मर गया, तो ओ मर गया, सांप ने डसा मर गया। हजरत उमर ने फरमाया वो तो सही जगह पर बैठा हुआ था ना, मैंने उसको वहाँ से हटाया ना, अगर मैं ना हटाता वो ज़मीन पर ना आता, ज़मीन पर ना आता, साफ उसे न डसता। और फिर हजरत उमर ने एक जुमला कहा, कल मेरा अल्लाह कयामत में पूछेगा मैं इसका क्या जवाब दूँगा कल। और हजरत उमर ये कहते गए, सारे लोग जमा होते गए और हजरत उमर रो रो कर, कल कयामत में अल्लाह पूछेगा इसके मुतल के वास्ते पूछेगा मैं मेरे अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मालूम है जब बहुत मजमा हो गया, बहुत रोना धोना हुआ, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, जैसे हजरत उस्मान आए हजरत उमर खड़े हो गए, हजरत उस्मान के गले लगे और कहा उस्मान मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हजरत उस्मान ने पूछा क्या हुआ, था वो कबूतर मेरी वजह से मर गया। मैं कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं कयामत में मुस्तफ़ा को क्या जवाब दूंगा, क्या मुझे अमीरुल मोमिनीन इसलिए बनाया गया था कि मैं यहाँ के जानवर पर भी जुल्म करूँ। बस इतना हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत समझाया और समझाने के बाद आप फिक्र न करें, हम शरीयत की रोशनी में फैसला करेंगे, कबूतर मर गया ना, तो इतना पैसा, इतने दिरहम, इतने दीनार आप बैतुल माल से न दें, अपनी तरफ से, अपने जेब से दे दें, इंशाल्लाह ये सदका हो जाएगा और यहाँ के गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर को तकसीम कर दिया जाएगा, आपकी ये गलती माफ हो जाएगी, आप आराम से उमरा करें। हजरत उमर ने जो हजरत उस्मान ने कहा सब कुछ अपने जेब से दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जब गुसल करके तवाफ कर रहे थे तो तवाफ करते करते कहते थे ये कैसा तवाफ होगा, ये कैसी सही होगी, ये कैसा उमरा होगा, क्या अल्लाह मेरे उम्र को कबूल करेगा, क्योंकि मैं तो एक कबूतर की जान लेकर आया हूँ। मेरे प्यारों किसकी जान गई, बोलो ना किसकी जान गई, और जानबूझकर मारा, हम तो जानबूझकर माँ को गाली देते, जानबूझकर अपने अब्बा को बुरा भला कहते हैं, कमी ना है वो लड़का जो बाहर की दुनिया में जाके अपनी माँ की बुराई करता है, लोगों के सामने अपने बूढ़े बाप की बुराई करता है, क्या कयामत में हमको नहीं जवाब देना, कयामत में हमको नहीं जवाब देना।
यही हजरत उमर, यही हजरत उमर जब बात आई है तो मैं बात बता रहा हूँ मेरे प्यारों, यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आपको मालूम है रात को भेष बदलते थे और पूरे मदीने की गलियों में चक्कर लगाते थे। एक दिन चक्कर लगाए, मालूम नहीं कोई घर था और उस घर में कोई कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा था। बोलो कोई कुरान पढ़ने वाला, तो वो क्या पढ़ रहा था? वत्तूरी व किताबिन मस्तूर फी रक़्म मनशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फिल मग़फूर वल बहरिल मसजूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। यानी पढ़ने वाला सूरह तूर जो 27वें पारे में, वो सूरह तूर पढ़ रहा, लेकिन सूरह तूर पढ़ते पढ़ते उसने ये आयत पढ़ी, अल्लाह का अज़ाब होने ही वाला है और उसे कोई रोकने वाला। अब कोई पस मंजर, कोई बैकग्राउंड, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हाँ अल्लाह का अज़ाब होगा, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। मालूम है हज़रत उमर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और वो तहज्जुद का वक्त था, रो रो कर कहते अल्लाह उमर को अज़ाब होगा। तो उमर क्या करेगा, उमर को अज़ाब होगा। उमर फजर का वक्त आने लगा, सारे लोग नमाज के लिए आ रहे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इमामत तो हज़रत उमर ही करवाने वाले, भाई जो अमीरुल मोमिनीन है वही इमामत कराएंगे, तो हज़रत उमर इमामत कराने वाले। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को कहे कि सारा मजमा जम गया, सबने फजर की सुन्नतें पढ़ ली है, अब आप भी आइए और फजर की नमाज पढ़ाइए। हज़रत उमर रोए जा रहे, यहाँ तक कि आपके दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे जमीन पर गिर रहे। वो तो इनके जवान बेटे हजरत अब्दुल्ला आए और कहा अब्बा सब नमाज में आ गए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत उमर धीरे से खड़े हुए तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा क्या हो गया अब्बा, रात से रो रहे क्या हुआ? कहा अल्लाह कहता है आज़ाब हो के रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। उमर को कयामत में आज़ाब होगा तो कौन बचाने वाला होगा, उमर को कयामत में आज़ाब होगा तो कौन बचाने वाला होगा? मेरे मालिक वालों, थोड़ी देर के लिए कभी अकेले में बैठ कर सोचो, ये वो उमर है कि जिनको जगह कहाँ मिली, जगह कहाँ मिली। जब आखिरी वक्त आया, जब आखिरी वक्त था, आपने अपने बेटे को बुलाया, बेटे हजरत अब्दुल्ला, बोलो बेटे का नाम खानदा, और क्या कहा कि जाओ ना हमारी माँ के पास जाओ। कौन माँ? आयशा। बोलो कौन माँ? जोर से बोलो माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। मुझे मालूम है अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं रोज़े मुबारक का, और बाजू में हजरत अबू बकर और उसके बाजू में जगह खाली है। हज़रत उमर ने रोते रोते अपने बेटे को कहा, हालांकि पेट में जख्म लगा हुआ था, पेट में जैसा ऑपरेशन का मामला था, लेकिन क्या कह रहे हैं मालूम, अपने बेटे को कह रहे हैं कि अम्मा आयशा से जाके पूछ लेना, एक जगह खाली है और हमें मालूम है वो जगह आयशा ने अपने वास्ते रखी है, लेकिन मैं वहाँ पर दफन होना चाहता हूँ, अगर माँ इजाज़त दी तो दफन वहाँ कर देना, वरना फिर कहीं और मुझे मदीने में दफन कर देना। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गए और दरवाजे के आड़ में रहकर हज़रत आयशा को कहा अम्मा आयशा वो एक जगह जो खाली है उसमें हज़रत उमर आना चाहते हैं, हज़रत आयशा ने फरमाया बेशक वो जगह मैंने अपने वास्ते रखी थी। बोलो वो जगह मैंने अपने वास्ते रखी थी। लेकिन हज़रत आयशा फरमाती मुझे एक रिवायत याद आ गई, मुझे एक रिवायत याद आ गई। क्या रिवायत याद आ गई? कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे थे, आपने एक उंगली से हज़रत अबू बकर का हाथ पकड़ा है, आपने एक तरफ उमर का हाथ पकड़ा है, और हमारे नबी ने फरमाया था हाँ अबू बकर उमर हम जिएंगे भी साथ में, मरेंगे भी साथ में, और कयामत में उठेंगे भी साथ में। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत आयशा फरमाती वो जगह मुझे मालूम है, वो उमर की जगह है, जाकर कह दो उमर अमीरुल मोमिनीन को कह दो वो जगह तुम्हारे वास्ते है। मेरे प्यारो जब बेटे ने आकर कहा और बेटे ने देखा, बेटे का नाम फिर बोलो हजरत, देखा उन्होंने कि अब्बा का बस आखिरी वक्त है, तो जैसे हम बैठते ना चार जानू, वो बैठ गए, बेटे बैठ गए और कहा अब्बा आपका सर मेरे गोद में रख दो, अब्बा आपका सर मेरे गोद में रख दो, क्योंकि अब आपका आखिरी वक्त आ गया है, अब्बा अब सारा बदन से खून निकल चुका है, अब आपका कोई इलाज मुआलजा नहीं है और आपको भी यकीन हो गया कि आपका वक्त आ गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर थोड़ी देर के लिए बेटे अब्दुल्ला की गोद में रखा, थोड़ी देर के लिए रखा, उसके बाद कहा अब्दुल्ला मेरे सर को ज़मीन पर रख दो,
मेरे सर को जमीन पर रख दो, क्योंकि अब मैं जमीन का मुस्तहिक हूँ, किसी के गोद का मुस्तहिक नहीं हूँ। और जैसे जमीन पर रखा, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं हालांकि मेरे अब्बा के बदन का बहुत खून मुबारक निकल गया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने देखा कि मेरे अब्बा हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन पूरी जमीन पर लोटपोट, यानी लेटे लेटे पूरी जमीन पर लोटपोट करते थे, और जबान से एक ही जुमला था, तब्बन लक या उमर इल्लम यग़फ़र रब्बुक, तब्बन लक या उमर इल्लम यग़फ़र रब्बुक, एक ही जुमला था, उमर उमर अपने आप से कहते थे, उमर उमर तू बर्बाद हो जाएगा अगर तेरे अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया, उमर तू बर्बाद हो जाएगा अगर तेरे अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया। मेरे प्यारो, वो एक हजरत उमर की जिंदगी और एक हमारे मोबाइल की जिंदगी, कैसा ईमान मेरे दोस्तों हमारे पास, कैसा ईमान। अभी ऐलान कर दो भाई जन्नत में कौन जाना चाहता, पूरा मालेगा हाँ जाएंगे ना जन्नत में जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे। ऐलान कर दो मुस्तफा का दामन, हाँ नहीं छोड़ेंगे। अरे ये मुहर्रम महीना है, शहीद करबला हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने नबी के नवासे का दामन, बोलो नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारो, ये ढोंग, ये दिखावा, ये चापलूसी कब तक होगा, कब तक होगा। ये हमारे जवान, जवान को क्या कहे इमाम साहब, बेटे मेरे प्यारे, जवान को क्या कहे। बुढ़े बुढ़े मोबाइल पर बिजी रहते हैं, पूरा दिन मोबाइल पर। चलो मैं तो कुछ कुछ नहीं कहता, ये डेढ़ बजने जा रहे हैं, डेढ़ बजने जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कल रात को डेढ़ बजे थे, अरे हाँ या ना, कल रात को डेढ़ बजे थे और अभी भी डेढ़ बज रहे, कितने घंटे हुए। 12 घंटे में अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, यहाँ कब्रिस्तान है बहुत सारे, यहाँ आराम कर रहे हैं। और कब्रिस्तान वो जगह है कि जहाँ हर एक के बदन कांप जाया करते थे, उस जगह में आप और मैं बैठे हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, कल रात के डेढ़ बजे से लेकर अब के डेढ़ बजे तक कितना कुरान पढ़ा हमने, जितना हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया कल रात को डेढ़ बजे से लेकर अब डेढ़ बजे तक, 24-12 घंटे में जितना हमने गलत मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या उसका आधा वक्त हमने कुरान को दिया। बहुत सारे यहाँ माले गाँव वाले बैठे होंगे, हाँ कुछ अल्लाह के नेक बंदे होंगे, माशाल्लाह सूरह काफ़ पढ़ के आए होंगे, जुमा का दिन है ना, सूरह काफ़ भी पढ़ी होगी और रात को सूरह दुखान भी पढ़ी होगी और सूरह यासीन भी पढ़ी होगी और सूरह वाकिया भी पढ़ी होगी, सूरह मुल्क भी पढ़ी होगी, मगर उतने जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते, बाकी ये जितना मजमा आपको नजर आता आया जुमा में आया। अब कब आइंदा जुमा फजर को हमारा बाप पढ़ेगा, दादा पढ़ेगा फजर। हमारे नबी का साफ जुमला है, मेरा उम्मती फजर पढ़ता है मदीना मुनव्वरा में, मेरे रोज़े मुबारका में मुझे मेरी आँखों में ठंडक महसूस होती है। और जब फजर नहीं पड़ता होगा तो, फजर नहीं पड़ता होगा तो ठंडक महसूस नहीं होती होगी, तो गर्माहटा महसूस होता होगा। जो सुबह सुबह में अपने आका ताजदारे मदीना की मुबारक आँखों को गर्म करे और वो सोचे कि मालेगांव में बारिश क्यों नहीं होती, वो सोचे मेरा कारोबार ठपका है क्यों पड़ गया, लॉकडाउन के बाद मेरी कमर टूटी तो वापस कमर जुड़ने को क्यों तैयार नहीं, मेरा कर्जा अदा क्यों नहीं होता, मेरा जो मेरी बीवी के साथ मेरी क्यों नहीं बनती, मेरा बच्चा मेरा फरमा बरदार क्यों नहीं बनता। अरे मेरे प्यारों, जिसने सुबह इस हाल में की है कि हमारे नबी पाक की आंखों में गुस्सा है, हमारे नबी पाक सासम की आंखें गर्म है, बताओ उसका वो दिन कैसा गुजरता। ये हजरत उमर की शहादत हमको बताती है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को कितना अल्लाह ने नवाजा, बोलो नवाजा कि नहीं नवाजा, अरे बोलो ना नवाजा कि नहीं नवाजा, इतना नवाजा इतना नवाजा कि एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने बूढ़े जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमारे नबी के जुबान मुबारक से ये जुमले है, जितने बूढ़े जन्नत में जाएंगे उनको ऐलान होगा जन्नत में, पीछे मुड़कर देखो तुम्हारे दो सरदार आ रहे हैं। जब ये पीछे मुड़कर देखेंगे तो हजरत अबू बकर और उमर आ रहे होंगे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने जवान जन्नत में जाएंगे उनको भी कहा जाएगा पीछे मुड़कर देखो तुम्हारे सरदार आ रहे हैं। जब जन्नत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो हजरत हसन और हजरत हुसैन नबी के दोनों नवासे आ रहे होंगे। तो सवाल होता है, एक सवाल होता है कि बूढ़े के सरदार हजरत अबू बकर उमर और जवानों के सरदार हजरत हसन और हुसैन, तो जन्नत में तो सभी जवान होंगे, जन्नत में कोई बुढ़ा ही नहीं होगा। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते जन्नत में सबकी उम्र 33,
मर्द हो या औरत हो, बोलो सबकी उम्र 33, सब जवान होंगे। तो उसका जवाब उलमा किराम ने जो प्यारा जवाब दिया, ये सुनने जैसा जवाब है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, कि जो बुढ़ापे में इंतकाल कर गया होगा, यानी 50 के बाद 60, 70, 80 जो इंतकाल कर गया होगा, बुढ़ापे में इंतकाल कर गया होगा, उनके अमीर हजरत अबू बकर और हजरत, और जो जवानी में इंतकाल कर गया 18 में 20 में 22 में 25 में, उनके अमीर कौन बनेंगे? हजरत हसन, समझना। लेकिन हजरत हसन और हुसैन कौन सी उम्र में इंतकाल? हजरत हसन रदी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ 55 साल की उम्र, हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ 58 साल की उम्र में। मालूम हुआ हजरत हसन और हुसैन के सरदार भी अबू बकर उमर बनने वाले हैं। इनके सरदार भी कौन बनने वाले हैं? हजरत अबू बकर, हजरत उमर बनने वाले। मेरे प्यारों, मोहतरम के बहुत से वाक़ियात मैंने सुना है, अभी आपको हजरत उमर का भी सुनाया। आज इतना कहो, आज जिंदगी बदल दी गई, ये आसमान इंतज़ार करता है कब बदल जाओ। अल्लाह अपने बंदे का इंतज़ार कर रहे, मेरा बंदा कब रोएगा, एक एक आंसू का कतरा निकाल लेगा, तन्हाई में निकाल लेगा, मजमे में निकाल लेगा, अरे बाजार में चलते चलते निकालेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह इतना रहमान, इतना बड़ा रहमान, अल्लाह से बढ़ के सब्र करने वाला कौन होगा? माँ भी थक जाती है ना, तो आखिर में कहेंगे बेटा बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होता। और बाप तो थक जाता तो साफ कहता, आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। मेरे दोस्तों, हमने अल्लाह को कितना सताया। हाँ अच्छा, बाहर जा रहा है, गर्मी लग रही, ठंडा शरबत पी रहा है, वो अल्लाह की आवाज़ नहीं आती कि मेरा बंदा तू ठंडा शरबत पी रहा है, तेरे कलेजे को ठंडक में पहुंचा रहा हूं। याद कर, 15 मिनट पहले तूने गुनाह नहीं किया था, आधा घंटा पहले तूने मोबाइल पे नंगापना नहीं किया था। अल्लाह बहुत रहमान है, बोलो बहुत रहमान है, बहुत रहीम है। आज कौन तैयार है अल्लाह को मनवाएंगे? इंशाल्लाह, बोलो मनवाएंगे। और अल्लाह को मनाना बहुत आसान है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ बीवी को मनाने में थोड़ा टाइम लग जाता, कभी एक दिन दो दिन लग जाते, हाँ या नहीं? ऐसा बैठे जैसे मैं अकेला शादी करते हैं, हाँ और नहीं तो कैसे बैठे? वो मालूम है, एक शोहर था, शोहर हाँ हाँ रात को सोया ख्वाब में मौत का फरिश्ता, ख्वाब में कौन? तो मौत का फरिश्ता आया। अब बोला, अब मौत का फरिश्ता काय को आएगा? जान लेने आएगा। कौन बोला? बहुत होशियार है भाई, मौत का फरिश्ता जान लेने आया। तो ख्वाब में वो मौत का फरिश्ता उसको कहता, तेरी जान लेने आया। अरे आ जा, मेरी जान लेने आया, आ जा। अरे तेरी जान लेने आया। अरे जान लेने जाओ तो सामने वाला तड़पता है। आ जा, तू मेरी जान लेने आया। जब मौत का फरिश्ता करीब आया, कहा तेरी जान लेने आया। कहा ले, ये मेरी बीवी सोई ना, मैं इसको मेरी जान ही बोलता हूँ। मेरी बीवी गरीब में सोई ना, इसको मैं मेरी जान ही बोलता हूँ। ले जा इसको, ले जा। आप लोग का ऐसा, ये मेरे को इसलिए बोलना पड़ा, आपके चेहरे को देखकर ये सब बोलना पड़ता है, तो बोलो ना मेरे प्यारों। हाँ, थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए हंसा दिया, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि अब मैं वाक्य पर आ रहा हूँ, मैदान करबला के वाक्य पर आ रहा हूँ, और पूरे वाक्य पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। ये मौलाना ने पहले ही मेरे को एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया, 140 के ऊपर गया तो तेरे को सूरत नहीं जाने देंगे। तो मौलाना बहुत जैसी बात खत्म करूंगा, लेकिन पहले बताओ, आज दो काम करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। काय को किसी को कहना पड़े मालेगांव में पानी नहीं आता, काय को किसी को कहना पड़े मालेगांव में पानी और लाइट का इंतजाम सही नहीं है, और कब तक मेरे प्यारो लूम पे जाकर मजदूरी करोगे और सेठों की गालियां खाओगे? जो अल्लाह उनको दे सकता क्या वो अल्लाह हमको नहीं दे सकता? दो काम कर लो, कसम खाता हूँ पूरी जिंदगी बदल जाए। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। पहला काम, अल्लाह के सामने रोने की आदत डाल, लोगों के सामने शिकायत मत करो। हमारी बहुत खराब आदत है, बाहर जाएगा मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बीवी ऐसी, और जिसको तू कह रहा है उसने क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया उसने? आया तेरे घर में मसले को हल करने के लिए? इससे अच्छा आधा घंटा उसको देने की जगह 5 मिनट अल्लाह को दिया होता। अल्लाह मेरे घर का यह मामला है, अल्लाह सबके दिल तेरे पास है, अल्लाह तू दिल बदलने वाला है। कसम अल्लाह की, अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। अल्लाह फरमाते, मांग के देख, मेरे से बढ़कर कबूल करने वाला। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दादान فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون।
मौजूद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो, कोई भी बंदा मुझे पुकारेगा, जितना माँ और बाप उसके करीब नहीं होंगे मैं उससे ज्यादा करीब रहूंगा, पुकारता जाएगा, मैं मुराद पूरी करता चला जाऊंगा। तो एक काम करेंगे, बोलो रोने का काम कौन कौन तैयार है? और जरूरी नहीं है कि आप यहाँ मजमे में रोए या खलवत में रोए कि जलवत में रोए, क्या है बेटा? ये सब बातें पहले तय होना चाहिए, बयान के बीच में थोड़ी तय होती है सब बातें। बड़ा अच्छा निज़ाम है आप लोगों का माशाल्लाह। हाँ बोलो ना, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? मेरा बंदा मुझसे पुकारेगा, मैं उसकी दुआ को बोलो 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 बोलो। अल्लाह ने फरमाया उजीबु दावत दावी दादान फलयस्तजीबु ली वलयूमिनु बी। अल्लाह फरमाते आ जा मेरा बंदा, आ जा, तेरे आने में देर होगी, मेरे आता करने में देर नहीं होगी। अल्लाह है कहाँ? ए मालेगांव वालों, मस्जिद हमीदिया में बैठे थे माशाल्लाह। अल्लाह है कहाँ? कोई कहे आसमान पर, कोई कहे जमीन पर, कोई कहे हर जगह मौजूद। कुरान करीम कहता वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहते मैं तेरे दिल में जो धड़कने वाली रगे है ना, अल्लाह फरमाते मैं वहाँ हूँ, मेरा बंदा मैं दूर नहीं हूँ। तेरे दिल की धड़कने वाली रगे इतनी करीब नहीं, मैं उससे भी करीब हूँ। एक बार मोहब्बत के साथ दिल के आईने में देख, तुझे खुदा की कुदरत वहां भी नजर आएगी। तो मेरे प्यारे कौन कौन तैयार बोलो होगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह राजी हो जाए कि नहीं हो जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा साहबा को फरमाया इबको, रो, ऑर्डर दिया हमारे नबी ने अल्लाह के सामने रो। एक साहबी खड़े हो गए, हाँ अल्लाह के रसूल में क्या कहूँ, मेरे को रोना नहीं आता। बोलो मेरे को रोना आता ही नहीं, बहुत दुआ में जाता लेकिन मेरे को रोना नहीं आता। अच्छा कोई और होते तो कहते अरे अजीब है, दिल तेरा कितना गंदा होगा, रोना नहीं आता। हमारे नबी ने फरमाया फ़इन्नम तबकू फतबकू। हमारे नबी ने फरमाया रोना नहीं आता तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, रोने की सूरत बना ले। अल्लाह तो रोने पर भी देता है, रोने की सूरत पर भी दे देता है। एक और साहब खड़े हुए, कहा अल्लाह के वो भी नहीं आता मेरे, अगर वो भी नहीं आता, रोने की सूरत बनाना भी नहीं आती। हालांकि रोने की सूरत बनाना तो बहुत आसान है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से फरमाया, फरमाया अली जब तू तेरी सवारी पड़ जाए और सारों को बता देना, जैसे हमारी भी बाइक खड़ी होगी बाहर, अरे हाँ बोलो ना, हमारी सवारी खड़ी होगी, टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर जो भी खड़ी होगी, एक काम कर लेने का, जैसे हम अपनी सवारी पर जाए जो सवारी की दुआ है वो तो पढ़े, सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दुआ पढ़ ले जो नमाज में आखिर में पढ़ता, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वाली दुआ पढ़ ले, फिर आसमान की तरफ देखकर रोना नहीं, रोने की सूरत नहीं बनाना, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराना, स्माइल, मुस्कुराना। जैसे हम आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते ना, अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं देखो 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 वो मेरा बंदा मुझे देखकर मुस्कुराता है, देखो वो बंदा मुझे देखकर मुस्कुराता है। वो फरिश्ते भी कहते हैं हाँ अल्लाह बड़ा अजीब बंदा है, आपको देखकर मुस्कुराता है। अल्लाह फरमाते इसलिए मुस्कुराता है कि उसको मालूम है मैं ही माफ़ करने वाला हूँ। फरिश्तों गवाह रहो इसी वक्त मैंने इसके सब गुनाहों को माफ़ कर दिया है। ऐसा अल्लाह कहा मेरे रोए तो भी माफ, रोने की सूरत बना ले तो भी माफ, हंस ले अल्लाह को देखकर तो भी माफ। तो सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं जो पॉइंट पर आना चाहता हूँ, मैंने कहा ना दो बातें हमको करना है, एक तो अल्लाह के सामने रोना, बोलो सब तैयार है इंशाअल्लाह। दूसरी बात मैं आपको इतना बता दूँ कि नबी के नवासे, साथ में बोलना बहुत जल्दी जल्दी बताऊँ मैं, हजरत हुसैन नबी के नवासे, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल मुबारक, आप पर्दा फरमा गए सन 10 हिजरी में और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए सन 4 हिजरी में। इसका मतलब हमारे नबी के विसाल के वक्त हजरत हुसैन की उम्र कितनी होगी? 6 साल। मेरे प्यारों क्या हमारे नबी ने अपने नवासों से प्यार किया है, क्या प्यार किया है। अभी जुमा का खुतबा होगा ना, बोलो ना इंशाअल्लाह, मैं पढ़ाऊंगा, इमाम साहब की इजाज़त होगी तो मैं पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर मैं खुतबे के बीच में से उतर के गया तो आप क्या करोगे? जाऊंगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। मालूम है एक मरतबा हमारे नबी जुमा का खुतबा दे रहे, मौना सुनने जैसी बात, जुमा का खुतबा दे रहे, मजमा बैठा है, सामने से हजरत हसन और हुसैन आ रहे। और अगर हजरत हुसैन की उम्र नबी के विसाल के वक्त कितनी बताई, 6, तो हजरत हसन की उम्र 7,
क्योंकि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला एक साल बड़े, लेकिन ये जब खुतबा दे रहे उस वक्त तो इससे भी कम उम्र होगी, छः भी नहीं होगी, सात भी नहीं होगी, कम होगी। अब हमारे नबी सासम जुमा का खुतबा दे रहे, सहाबा के नाम बैठे, और हमारे नबी का खुतबा अल्लाह की कसम कैसा खुतबा होगा, वो खुतबा कैसा खुतबा होगा कि जुबान मोहम्मद की थी, कलाम तो अल्लाह का हुआ था। लेकिन सामने से हजरत हसन हुसैन दोनों छोटे छोटे नवाज हैं, वो कुछ आपस में एक दो का पाँव टकराए और दोनों के दोनों साथ में गिरे। हमारे नबी ने खुतबे को रोका, उठे आप मिंबर की सीढ़ी उतरे, गए एक को यहाँ रखा एक को यहाँ रखा। हदीस पाक में लिखा यदुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा, हमारे नबी ने सिर्फ अपने सीने से नहीं लगाया, उनको चूमते गए चूमते गए। और जब मिंबर पर आए तो एक को यहाँ पर बिठाया, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को यहाँ बिठाया, आपने खुतबा शुरू किया और फरमाया तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे हसन और हुसैन, ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार है, बोलो सुभान अल्लाह। फिर फरमाया मेरे हसन हुसैन, जन्नत की खुशबू है, बोलो सुभान अल्लाह। फिर फरमाया मेरे हसन हुसैन, ये जन्नत के फूल है, बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे इससे बढ़कर क्या मामला होगा कि फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे और हजरत फातिमा के घर के पास से गुजरे और अंदर से हजरत हुसैन के रोने की आवाज़ आ रही है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद अंदर गए और कहा फातिमा फातिमा मेरी बेटी फातिमा कहाँ हो, ये बच्चा रो रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। तो देखा कि फातिमा कोई काम में बिजी है और बच्चा रो रहा। तो हमारे नबी समझ गए कि मेरे हुसैन को खाना भी नहीं मिला है, पानी भी नहीं मिला है। क्या किया मालूम हमारे नबी ने, अरे हमारे नबी चाहते तो कहते ना भाई पानी लेकर आओ, अरे भाई एक ऑर्डर होता ना एक ऑर्डर, अरे दूध लेकर आओ एक ऑर्डर होता। लेकिन हमारे नबी झुके, अपनी जुबान मुबारक हजरत हुसैन के मुंह में रखी, हजरत हुसैन चूसने लगे चूसने लगे चूसने लगे और हजरत फातिमा वहां से आई। जब हजरत फातिमा ने यह मंजर देखा कहा अब्बा ये क्या हो रहा, कहा बेटी ठहर जा, जन्नत के नहर का पानी हुसैन के मुंह में जा रहा है। क्या शान होगी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और भी मैं बहुत कुछ बताता कभी बाद में इंशाल्लाह। पॉइंट पर आ रहा हूँ, मैदान करबला, बोलो हाँ, जुमा का दिन बोलते जाओ, हाँ कौन सा दिन, आशूरा, जुमा का दिन। लेकिन जुमा की नमाज नहीं होने वाली, क्योंकि जुमा की नमाज के लिए शहर होना शर्त है, गांव में देहात में या जंगलों में जुमा की नमाज नहीं होगी। उस वक्त करबला एक जंगल एक सहारा एक मैदान था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला, देखो मैं आपको बताऊँ हमारी भी औलाद है, बोलो हाँ बोलो ना, प्यार करते हो ना बच्चों से, अब बाप जितना बेटे से प्यार करता ना बेटा उतना बाप से नहीं प्यार करता, लिख कर ले लो, बाप जितना बेटे से प्यार करता बेटा बाप से। आप थोड़ी देर के लिए सोचो बाप आईसीयू में 80 साल की उम्र हो गई है, आईसीयू में वेंटिलेटर लगा है, कोई आएगा मिलने वाला, बेटा बाहर खड़ा है, पूछेगा क्या अब्बू का क्या क्या खबर अब्बू की, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, दुआ करो अल्लाह आसान कर दे, ये बेटे का जवाब होता है। और आप देखना किसी का जवान बेटा एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे आईसीयू में हो, वेंटिलेटर में हो, बूढ़ा बाप आर ऐसा बैठा होगा, ऐसा कोई अगर पूछेगा बेटे की क्या खबर, क्या जवाब देगा मालूम, बस दुआ करो अल्लाह मेरी जान ले ले उसकी जान बचाए, उसको बचा दे दे अल्लाह उसके बदले मेरी जान। बाप वो होता है जो बेटे के लिए जान देता है, बोलो बाप वो होता है जो बेटे के लिए जान दे, और बेटा वो होता जो बाप के जाने का इंतजार करता है। ये आज हमारा समाज हमारा माहौल है। मेरे प्यारो आप थोड़ी देर के लिए सोचो, जुमा का दिन है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के दो बेटे शहीद हो गए, अरे बोलो दो बेटे, एक बड़े बेटे एक छोटे बेटे, अली अकबर और बोलो अली, साथ में बोलो ना अली अकबर, दोनों का जनाजा रखा है। आज मैं भी बाप हूँ, आज मैं भी बाप हूँ, आप भी बाप है, क्या गुजरे जब हमारे सामने हमारे दो बच्चों का जनाजा रखा हो। और फिर मामला क्या होता, जोहर का वक्त होता, अजान दी जाती जोहर की, और क्योंकि जुमा का दिन है जुमा तो होने का नहीं है जोहर, हजरत हुसैन कहते भाई सफ़े लगा लो वजू कर लो, वजू न कर सको तो तयम्मुम कर लो क्योंकि पानी का बंदोबस्त नहीं है, मगर सफ़े लगा लो। आपको मालूम है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जोहर की दो रकात पढ़ाई, मुसाफिर कितनी रकात, दो रकात पढ़ाने के बाद मालूम नहीं कितनी देर तक अल्लाह के सामने रोते रहे। और वो अब्बा कैसे टूटे दिल से रोए होंगे जिनके दो बच्चों के जनाजे सामने रखे हुए। और आपको मालूम है रोने के बाद फिर आपने कहा वो खेमे में जाओ ना, वो खेमे में जाओ, एक बड़ी चादर रखी है वो चादर लेकर आओ। चुनांचे खेमे में कुछ लोग गए चादर लेकर आए, आपने वो चादर को देखकर इतना रोए अपने पूरे बदन से उसे लपेट लिया और कहा लोगों तुम्हें नहीं मालूम किसी ज़माने में मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया,
ये मेरी माँ की चादर है। मैं तो बहुत छोटा था, मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी, बहुत छोटा था, मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन मेरी माँ की चादर को मैंने संभाल कर रखा, आज करबला के मैदान में लाया और इसी चादर को ओढ़कर मैं आगे बढ़ने वाला। फिर आपने फरमाया वो खेमे में से तलवार लेकर आओ, तो आवाज आई कि वो तलवार टूटी है, कहा लेकर आओ। टूटी है या अच्छी है उससे मतलब नहीं, मेरे अब्बा शेर खुदा की तलवार है, हजरत अली की तलवार है वो। और फिर आप खुद गए, किसी ने कहा कहाँ जा रहे, कहा खामोश रहो मैं जा रहा हूँ। एक खेमे में गए, खेमे के कोने में एक डब्बा रखा हुआ था, बड़ा बक्सा रखा हुआ था, उसको खोला, उसमें से काला इमामा निकला। वो इमामा लेकर कितनी देर तक रोए, आए अपनी पेशानी पर रखा, गालों पे रखा, चूमने लगे, कहा तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे लाला जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा है। मेरे प्यारो अब जो मोड़ मैं आपको बता रहा हूँ वो बराबर दो मोड़ समझ लो, इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने अपने घोड़े पर बैठे जाने की तैयारी, अल्लाह की कसम वो हुसैन कैसे प्यारे होंगे, अरे इमामे की तरफ नजर करो। तो मदीने के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए, कपड़े की तरफ नजर करो तो खातून जन्नत हजरत फातिमा नजर आए, तलवार की तरफ नजर करो तो शेर खुदा हजरत अली नजर आए। अभी तो घोड़े को एड़ लगाते और जाते कि पीछे से इनकी बेटी जो तकरीबन हजरत हुसैन की बेटी 5 से 8 साल के दरमियान की, उनके रोने की आवाज़ आई। तो यूँ पीछे मुड़कर देखे तो इनकी बेटी, बोलो बेटी का नाम सकीना, बोलो बेटी का नाम, आज मेरी भी बेटी है आपकी भी बेटी है। सकीना आई और क्या कहा, अब्बा मत जाओ ना, अब्बा मत जाओ, मेरे दो भाई शहीद होते थे, अब्बा किसी और को जाने दो, आप मत जाओ अब्बा, मेरे दो भाई शहीद हो गए और अब्बा आप भी जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे। क्या अब्बा आप ये पसंद करते कि आपकी ये बेटी यतीम हो जाए, क्या आप पसंद करते कि मैं यतीम हो जाऊँ, क्या आप पसंद करते हैं कि आपकी बीवी बेवा हो जाए, अब्बा न जाओ ना। मेरे प्यारो क्या हजरत हुसैन का इम्तिहान होगा, घोड़े से उतर गए, अपनी बेटी सकीना को अपने सीने से चिमटाया, बहुत देर तक रोए और लेकर खेमे की तरफ जाने लगे। सबने समझा कि मामला बदल जाएगा, लेकिन खेमे के पास गए, किसी औरत को आवाज दी, औरत बाहर आई, आए सकीना को संभाल लो मैं जा रहा हूँ। सकीना आवाज देती रही, अबू नहीं जाना, अबू नहीं जाना, अबू। हजरत हुसैन गर्दन झुका के गए, अपने घोड़े पर बैठे और बेटी को कहा, बेटी ये मत समझना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम मेरी बेटी हो, मेरी लखते जिगर हो, मैंने तुमको सीने से लगाया है, मेरे दो बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए, ये मत समझना मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन आज तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ है, मेरे नाना की मोहब्बत एक तरफ है। ये कहकर हजरत हुसैन आगे बढ़े। मेरे दोस्तों इस पॉइंट को सोचते हुए सोचना कि वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला सामने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तारीख लिखने के मुताबिक 1,20,000 का मजमा है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला जा रहे, जख्मों पे जख्म, तीरों पे तीर, खंजरों पे खंजर, क्या जख्म नहीं पहुंचा हजरत हुसैन को। लेकिन एक वक्त वो आया कि हजरत हुसैन ने तलवार ज़मीन पे रखी और यूँ दोनों हाथ ऊपर किए, इसका मतलब हुआ कि रुक जाओ। सामने वाले रुक गए और कहने लगे भाई रुक जाओ रुक जाओ, वो मान गए, हो गए अपनी बात कबूल हो गई, सामने वाले बड़े खुश अपनी बात कबूल हो गई, वो तलवार रख दी जमीन पे रख दी। हजरत हुसैन नबी के नवाज से आवाज देते हैं, हारा नहीं हो, हारा नहीं हो, तुम्हारी गंदी शर्तों को मानना नहीं है, मैंने तलवार इसलिए रखी है जमीन पर, कद हाना वक्तुल असरी, असर का वक्त हो गया है, मुझे भी नमाज पढ़ना है, तो वो भी नमाज पढ़ना है। कौन सी नमाज, कौन सी नमाज, सुनना, फरमाया नमाज का वक्त हुआ है। और हजरत हुसैन की जुबान मुबारक से निकला, जब से मैंने होश संभाला मेरी कभी नमाज कजा नहीं हुई, आज मैदान करबला तो क्या, और हजरत हुसैन ने यह भी कहा मुझे यकीन है शायद मैं नमाज पढ़ूँ तो तुम मुझ पर हमला कर लो, लेकिन नमाज तो नमाज है ना, कदहाना वक्त लाशरी, असर का वक्त हो गया। फिर देखो इसको कहते दावत और तबलीग का क्या प्यारा जज्बा होगा, फरमाया भाई मैं नमाज पढ़ू ना, तुमने भी तो कलमा पढ़ा है, 1,20,000 जितने भी होंगे कम ज्यादा, तुमने भी कलमा पढ़ा है, तुम भी नमाज पढ़ लो ना। मालूम अंदर से, मालूम नहीं कहाँ से मगर अंदर से आवाज आती है, पढ़ लो हमको जरूरत नहीं, यही आवाज तो माले गाँव में भी आती, यही आवाज माने गाँव में आती, यहाँ बैठा है कोठे पर देख रहा है बाप असर की नमाज पढ़ के आया,
फिर थोड़ी देर में देखा मेरा चाचा मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया, फिर देखा मेरा बाप दादा चाचा सब लोग ईशा की नमाज़ पढ़, वो ओटे पर बैठा है। वो जबान से नहीं कहता, अंदर से दिल से आवाज आती है, पढ़ ले मेरा अब्बा दादा चाचा पढ़ लो, मैं भी बाद में बुढ़ा होऊंगा तब पढ़ूंगा, अभी इस वक्त मेरे को जरूरत। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बहुत से लोग मुहर्रम में कहते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो हुसैन की जमात में है ही कहां? अरे हुसैन की जमात में कहां है? फजर की नमाजें हमारी बर्बाद है, हमने रोजे बराबर नहीं रखे, हमने तरावी बराबर नहीं पढ़ी, हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं आई, हमारा कपड़ा इस्लामी तरीके पर नहीं हुआ, तो सोचने वाली बात है मेरे मालिका वालों, हम हुसैन की जमात में है या सामने दुश्मनों की जमात में है? हमारा चेहरा बताता है कि हम दुश्मनों की जमात, कितनों का पैसा खा के हम बैठे, कितनों की जमीन दबा के बैठे, कितनों का कर्जा लेके बैठे, हमारे घर में मोबाइल अच्छा आता है, हमारे घर में कलर लगता है, हमारे घर में टीवी आता, लेकिन सामने वाले का 50,000 बाकी है तो बाकी है, और जब लिया था तो ये कहा था मैं एक महीने में अदा कर दूंगा, आज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तेरे घर का फर्नीचर बदल गया, हमारे घर का डेकोरेशन बदल गया, हमारे घर का मोबाइल बदल गया, हमारे घर का टीवी बदल गया, मगर वो 50,000 मांगने आता है, उसके साथ डांट डपट का मामला होता है। ये हजरत हुसैन का तरीका है, दाढ़ी नहीं रखना हजरत हुसैन का तरीका है, नमाजों पे नमाजें कदा करना यह हजरत हुसैन का तरीका है। जो हजरत हुसैन बचपन में माँ को खोते हैं, मगर माँ की चादर को इतने अहतमाम से संभाल के करबला के मैदान में माँ की चादर को लपेट कर अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं, हमने तो वो माँ को मालूम नहीं कितनी मरतबा सामने जवाब दे दिया, माँ को कितनी मरतबा माँ की गाली दे दी, हमको बार बार समझाया जाता है माँ 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 के कदमों के नीचे जन्नत है, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, तो बाप कितनी मरतबा बोलता है काय का जन्नत का दरवाजा, कब का तोड़ दिया अल्लाह इसको भी तोड़ दे। मेरे प्यारो बहुत अच्छा लगता है हजरत हुसैन का वाकया सुनना, लेकिन सोचो कि हम हजरत हुसैन की जमात में है मानेगा वालो या सामने की टीम में, और आपको मालूम है जब सामने से आवाज आई ना कि नमाज पढ़ लो हमको नमाज की जरूरत, तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया पानी दे दो ना, हजरत हुसैन ने फरमाया पानी दे दो, पूरा बदन जख्मी हो गया है, लहू लुहाने वजू कर लूंगा, और हजरत हुसैन ने साफ फरमाया मेरे अल्लाह की कसम नबी का नवासा पीऊंगा नहीं, आप लोगों ने पीने से मना किया है ना, जख्म तो धो लूं ना और कम से कम मैं वजू तो कर लूं, तो सामने से आवाज आई पानी भी नहीं मिलेगा, तो हजरत हुसैन मुस्कुराए कहा क्या तुम समझते हो कि पानी नहीं मिलेगा तो मैं असर की नमाज छोड़ दूंगा, नहीं फरमाया मेरे कुरान में अल्लाह ने फरमाया पानी न मिले तो तयम्मुम कर लेना मगर नमाज को कज़ा मत करना। हजरत हुसैन ने वो आयत करीमा को अपने सामने रखा जिसमें अल्लाह ने फरमाया फलम तजिदू मा फतयम्ममु सईदन तय्यिबा फमसहु बिवुजूहिकुम वअयदीकुम। हजरत हुसैन ने मैदान ने करबला की मिट्टी से तयम्मुम किया और पूरा मजमा बोलो कौन सी नमाज के लिए खड़े हो गए, मालूम था नमाज में जाऊंगा ये बेवफा इसी वक्त मुझ पर हमला करेगी, और हुआ ऐसा ही, आप सजदे में गए असर की पहली रकात का पहला सजदा, एक दुश्मन आता 2 तलवार लेकर आता और हजरत हुसैन के कंधे मुबारक पर इतना जोर से मारता आपके दोनों हाथ अलग हो जाते और आप ऐसे हो जाते, मतलब अब आपका चेहरा आसमान की तरफ हो जाता है, दूसरा दुश्मन आता आपके सीने पर लोहे मारा जाता वो लोहे की सलाखें मारा जाता, और तीसरा शमूर नाम का आखिरी दर्जे का कमीना दुश्मन आता जो आपके पूरे चेहरे को आपके गले मुबारक को अपनी तलवार की नोक पे ले लेता, यानी पूरा काट देता और उसके बाद तलवार की नोक पे ले लेता और क्या कहता देखो हम जीत गए हजरत हुसैन का सर मेरे तलवार की नोक पर आया। हजरत हुसैन के एक बेटे जो पीछे थे वो वहां खेमे से कहते ना मेरे अब्बा जीत गए, जब जीते थे तब भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर नजर आता है। मेरे प्यारो कोई तो पूछे कि हजरत हुसैन को जब मालूम था कि असर की नमाज में ये मामला होगा फिर क्यों आपने असर की नमाज पढ़ी, क्यों आपने जुबान से नहीं फरमाया लेकिन कह दिया, क्या कह दिया, नबी का नवासा जान दे देगा मगर नमाज को कजा, मैंने बोलो ना नमाज को कजा। अभी मैंने आपको हजरत उमर का वाक्या सुनाया ना, बोलो सुनाया ना, जख्म था ना पेट पर जो खिलाया जाता वो, मालूम है 26 जिलहिज्जा को हजरत उमर के साथ ये एक्सीडेंट वाला मामला हुआ, उसके बाद से आप सो नहीं पाए, कैसा सोएगा आदमी जिनका पेट का जख्म खुला होगा और उसके ऊपर मरहम पट्टी की जाती होगी कैसा सोएगा, मालूम है
एक सुबह ऐसा हुआ कि हज़रत उमर को बिल्कुल फजर से पहले नींद आने लगी, आप सो गए, पेट का जख्म था, सो गए, तो कोई आए उठाने के लिए, उमर उमर फजर की नमाज, उमर अमीरुल मोमिनीन फजर की नमाज, तो किसी और ने कहा नहीं नहीं कभी आँख लगी नहीं, अभी मुश्किल से आँख लगी है। सामने वाले ने इतना कहा कि हज़रत उमर की आँखें खुली, आँखों में आंसू थे, कहा उमर जान दे देगा मगर फजर की नमाज को पता नहीं लगेगा। हज़रत हसन ने माँ कह दिया जान दे दी मगर असर की नमाज को कजा। यार गद्दार बैठे, कुत्ते से भी बदतर, कुत्ता जो है ना कुत्ता उसके अंदर भी समझ है कि मालिक की रोटी का ख्याल करने का, हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा की रोटी का क्या, उनके करोड़ों एहसानात का ख्याल नहीं किया, कुत्ते से बदतर यहाँ बैठे। अभी पूछो जन्नत में कौन जाने वाला, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, कम वक्त फजर नहीं पड़ी होगी अच्छी, और कहता होगा आज की बात तो मौलाना 15 दिन हो गए मैंने फजर नहीं पड़ी। मेरे प्यारो इस वक्त उम्मत के हालात को सही करना हो दो काम के लिए तैयार रहो। तैयार हो आप लोग, तैयार मेरे बोलो तैयार हो, बल्कि मैं तीन काम बताता हूँ और अभी इसी वक्त तीन काम इरादा कर लो, करोगे इंशाल्लाह। पहला काम अल्लाह के सामने रोएंगे, बोलो इंशाल्लाह। कोई कोई दुआ मांगे उसके पीछे बैठ के रो ले, अरे अकेले बैठ के रो ले, बाजार में चलता चलता रो ले, अरे कह दे ना बाजार में चलता चलता कह दे अल्लाह सब खरीदो फरोख्त हो रहा, मैं आया हूँ अल्लाह मगफिर ले, अल्लाह मेरे को माफ कर दे, वो अल्लाह तो बाजार में भी गुनाहों को माफ कर देता है। और दूसरा काम कौन कौन तैयार है, पक्का वादा नमाज के लिए कौन कौन तैयार है। हजरत उमर ने फजर की नमाज कजा की पेट पे जख्म लगने के बाद, हजरत हुसैन ने मैदान करबला में असर की नमाज कजा की, और एक मसला सुन लो नमाज की बात आई है तो, हजरत हुसैन जिंदा है बोलो ना, हाँ बोलो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया शहीद को मुर्दा मत कहना, वो ऐसा जिंदा है, बोलो वो ऐसा जिंदा है, क्योंकि हजरत हुसैन तो बड़े दर्जे के शहीद है, और अल्लाह ने फरमाया शहीद जिंदा है मुर्दा मत कहना, वो ऐसा जिंदा है सुबह होती शाम होती उसकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। सुना था आपने कभी ऐसा, हाँ या ना बोलो, सुना कि नहीं सुना, नहीं सुना ना, कुरान में लिखा है, चौथे पाले में कुरान में लिखा, जो मैंने अभी कहा ना कुरान में लिखा, अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल लजीना कुतिलु फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़कून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई भी मेरा बंदा मेरी बंदी मेरे रास्ते में शहीद हो जाए उसे मुर्दा मत कहना, अल्लाह फरमाते बल अहया वो जिंदा है, और ऐसा जिंदा है इंद रब्बिहिम युरज़कून उसकी कब्र में सुबह शाम जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। ये डायरेक्ट मैंने आपको कुरान पाक से बताया, तो आज भी हजरत हुसैन जिंदा है, क्या उनकी आवाज़ आज भी नहीं आती कि मैं नबी का नवासा, मैं जन्नत का फूल, मैं जन्नत की खुशबू, मैं जन्नत के जवानों का सरदार, नबी का थूक मुबारक मेरे मुंह में, लेकिन मैंने असर की नमाज को कजा नहीं किया, ज़िंदगी में नमाज को नहीं छोड़ा, तो ये आवाज़ नहीं आती कि हम बेशरम कितनी नमाजें छोड़ गए। चलो पहला काम फिर एक मरतबा बोलो, वक्त हो गया, पहला काम बोलो क्या करने का, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम हाथ ऊपर करके बोलो नमाज पढ़ेंगे, हजरत हुसैन की मोहब्बत में बोले, हजरत उमर की मोहब्बत में बोले, बोलो इंशाअल्लाह, हाथ ऊपर करें बोलो इंशाअल्लाह, आज की जुमा बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, हमारी नमाज कजा। कसम अल्लाह की जितनी गुलामियाँ कर रहे हैं या जितना पानी के लिए तड़प रहे ना, या जितना लाइट और चीज़ों के लिए तड़प रहे ना, और जितनी लोगों की मन्नत समाजत कर रहे ना, सब छोड़ो नमाज के पाबंद हो जाओ। अल्लाह फरमा दे मेरा बंदा फिक्र मत करना, अब हम रोज़ी के लिए दरवाजे तक पहुँचा के आएंगे, मैं करेंगे बोलो सब करेंगे इंशा। और एक आखिरी बात भी लेकर, तीन काम कर लो अल्लाह का गुस्सा ठंडा, तौबा कर लो, नंबर दो नमाज पढ़ो, और नंबर तीन बहुत अच्छा हुआ मेरे दोस्त आ गए, देखो ये हमारे हारून भाई यहाँ पर बैठे, हमारे बहुत जिगरी दोस्त थे, नंदुरबार से आए, आपके महाराष्ट्र के हैं, नंदुरबार के हैं, और इनके साथ में पूरा माशाल्लाह 8 आदमी के जमात आई है, जिसके अमीर हजरत मौलाना जावेद साहब नंदुरबार के हैं। तो ये लोग आए क्यों, आए ये लोग नंदुरबार से क्यों आए, ये लोग तो बेचारे आते रहते हैं बयानात वगैरह सुनते रहते हैं नंदुरबार वाले, मालेगांव वाला कच्चूस कभी सूरत आके बयान नहीं सुनता है,
जुनेद ने कभी देखा मालेगांव वाला? ये अपना हारिस नहीं आता, किसी और को क्या है, हमारा बेटा कभी नहीं आता। लेकिन ये नंदुरबार वाले बेचारे बहुत मोहब्बत रखने वाले, मैंने इनको खास यहाँ पर मालेगांव बुलाया, इसलिए बुलाया कि चूंकि हमको जन्नत में जाना है। बोला हमको जन्नत में, और जन्नत का पहला टिकट क्या है अल्लाह के सामने, दूसरा टिकट क्या है, और तीसरा टिकट है अल्लाह का घर बनता हो, तेरे पास जितनी ताकत हो दे दे। अल्लाह कहते तूने मेरा घर बनाया, जा मैं जन्नत में तेरा महल बना दिया। ये वादा है, किसी भी आलिम को पूछो, ये हदीस आपको बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी अबू दाऊद बहुत सारी किताबों में मिलेगा। मन बना लिल्लाह की बैता बन अल्लाह लहु बैतन फिल जन्ना, जिसने अल्लाह का घर बनाया जाओ अल्लाह ने जन्नत में उसका महल बना दिया। तो ये भी नंदुरबार से आए हैं, और मैं खुद वो मस्जिद में मगरिब की नमाज भी मैंने पढ़ाई, और मैंने बयान भी वहाँ पे किया नंदुरबार में, और वो मस्जिद में बहुत, क्योंकि मेला बहुत लंबा चौड़ा, और मस्जिद पुराने ज़माने की छोटी सी मस्जिद बनी हुई, और मेला बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो उस मस्जिद को अल्लाह के घर को बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है, इसलिए ये नंदुरबार के 8 आदमियों का काफिला मैंने बुलाया। मोहम्मद जावेद साहब भी, हमारे हारून भाई भी, और भी दीगर अहबाब हैं, बेचारे बड़ी तकलीफ करके सुबह 11 बजे पहुंच गए। ये लोग बाहर खड़े होंगे, जहां भी खड़े हो समझ लेना कि ये कारी साहब ने जो ऐलान किया नंदुरबार की मस्जिद के लिए, मस्जिद का नाम है मस्जिद उमर, और ये मस्जिद पटेलवाड़ी में है और नंदुरबार में है, आपके महाराष्ट्र में है। जाते जाते जो भी हो आपकी ताकत के मुताबिक, कितने लोग क्या करते मन, अच्छा खासा अमीर है 10 रुपए का नोट डाला टक चला गया, क्यों तू घड़ी 10 रुपए की पहनता है, अल्लाह का घर तो 10 रुपया, अपना जूता 300 रुपया। भाई अकल में आने वाली बात है ना, अपना स्टेटस देखे ना, स्टेटस मेरा स्टेटस क्या है, और जबकि जूता खरीदेगा तो जूता मिलेगा, यहाँ देगा तो जन्नत मिलेगी, यहाँ देगा तो क्या मिलेगा। अच्छा अरे एक सवाल, आखिरी सवाल, हम देंगे, बोलो देंगे इंशाल्लाह, ये मस्जिद उमर के वास्ते ताबुन करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। जेब में नहीं लाए होंगे, जबान तो लाए, वहाँ मौलाना जावेद साहब खड़े होंगे, बल्कि आपके मालेगांव के कौन, मौलाना अब्दुलरहमान साहब, उनको भी हमने जिम्मेदार बनाया। ये हमारे बेटे मरहूम हमारे रशीद भाई, अल्लाह करवट करवट उनकी मगफिरत फरमाए, उनके बेटे हारिस बैठे, वो भी इसके जिम्मेदार है। मस्जिद उमर नंदुरबार में आप सवाल होता हम देंगे तो क्या मिलेगा, मेरे को किसी ने पूछा था मौलाना मस्जिद के लिए आप चंदा करते देंगे तो क्या मिलेगा, मैंने कहा कुरान पढ़ने, कुरान में लिखा है गिन के देना, क्या लिखा है कुरान में, गिन के काउंट करके देना, तो अल्लाह के घर में गिन के देना, मरने से पहले अल्लाह इतना देगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। ये कुरान में लिखा, अल्लाह ने फरमाया मन अल्लज़ी यक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फयुज़ाइफ़हु अज़ाफ़न कतीरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा तू आ जा, अल्लाह का घर है, मुस्तफ़ा का मकान है, मदरसा है, दे दे तू गिन के देगा, हम तुझे इतना देंगे, बोलो तू गिन भी अज़ाफ़न कतीरा, तू गिन भी नहीं पाएगा। तो सब दोगे इंशाअल्लाह, बात खत्म करना, ये 3 बार सबका खैरात करते रहना, अल्लाह के सामने रोना, और सबसे बुनियादी फाउंडामेंट, और यूँ कहो के फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, 5 वक्त की कौन कौन तैयार है फिर ऊपर हाथ करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। थोड़ी देर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, सबकी सुन्नतें बाकी होगी या नहीं बाकी होगी, सुन्नतें अदा कर लें, उसके बाद में इंशाल्लाह खुतबा नमाज। और एक ऐलान ये भी करता चलो कि नमाज के बाद निकाह है, तो निकाह से पहले भी मैं 5-8 मिनट कुछ बात कर लूँगा निकाह के बारे में, और उसके बाद निकाह का खुतबा हो जाएगा इंशाल्लाह। और निकाह का खुतबा भी आपको मालूम है, उसके बाद भी दुआ की कबूलियत का वादा है, और जुमा के बाद भी दुआ की कबूलियत का वादा है। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल فرمائے آمین یا رب العالمین واخر دعوانا ان الحمد للہ